गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो फिर कंटिन्यू करते हैं द टॉपिक इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेशन दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f1x f2x and f3x, ये आ गए और ये क्या है DEF और ये क्या है PQR where f1x f2x and f3x are the function of where f1x f2x comma f3x are the function of x and DEF PQ are the constant and DEF and PQ are the constant. ये इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेशन क्या आ गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स, ये कोई जो है ये कोई डिटरमिनेशन है, इसका जो है ये फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है और ये जो है ये क्या है कॉन्स्टेंट है, क्या है कॉन्स्टेंट है। तो क्या होता है इसका, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है a to b f1 x a to b f2 x a to b f3 x d e f p क्यू आर ई क्यू आर, इस तरह के ये फंक्शन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन यानी एक रो का जो ये फंक्शन है उसका जो है किसी का फंक्शन का क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये लिमिट की होगी ए टू बी तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका क्या आता है डिटरमिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे एग्जाम्पल है जैसे इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और फिर क्या है सिक्स फोर एक्स थ्री नाइन एक्स माइनस सेवन, then find the value zero to one delta x delta one dx की value निकालो।
देखो भाई अब क्या गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू गिवन है 0 to 1। अब क्या जाएगा इंटीग्रेशन, क्या जाएगा 0 to 1 एक्स डी एक्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। ये क्या जाएगा 6 फोर एक्स 3 9 एक्स माइनस 17। क्या करा मैंने देखो भाई, इससे पहले देखो क्या है इसमें x दोनों इस कॉमन में क्या है, क्या इसमें कॉमन आ गया, क्या आ गया इसमें x जो है इसमें कॉमन है सी टू इन इन फॉर्म इन सी टू देयर इज x एंड फिर इसकी जो है फिर x की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, ये जब ही काम बनेगा जब इसमें से गलत हो जाए। ये हो बनी है तो क्या करते हैं देखो इसमें से क्या करो x को मन ले रहा है, क्या ले रहे इसमें से x को मन ले रहा है 1 x एक्स क्यूब 6 4 3 9 1 माइनस 7 यार। और इस एक्स की फर्स्ट रो में कॉलम मल्टीप्लाई करती एक्स एक्स स्क्वायर एक्स और 3 6 4 3 9 1 माइनस 7। अब क्या गया ये 0 to 1 डेल्टा एक्स 0 to 1 डेल्टा एक्स। अब ये क्या गया 0 to 1 एक्स डी एक्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। ये गया 6 4 3 9 1 माइनस 7 आ गया जी, देखो क्या गया 6 4 3 9 1 माइनस 7 9 1 माइनस 7 आ गया। इसका क्या आ गया x का क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या है 1 0 to 1 क्या आ गया 1 अपॉन 2 एंड सिमिलरली क्या आ जाएगा यहाँ एक्स क्यूब अपॉन 3 या क्या 1 अपॉन 3 यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 4। इस तरह जिस 0 to एक्स डी एक्स क्या आ गया 1/2 तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/2 1/3 1/4 6 4 3 9 1 माइनस 7। इनका सबका एलसीएम आ जाएगा, इन सबको क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12, इन सबका क्या एलसीएम 6 3 4 एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दूंगा जैसे 12 की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 1/12 इक्वल टू 6 4 3 6 4 3
9, 1, -7 ये आ गया। इस रो में इसमें क्या है, देयर आर आर वन एंड आर टू आर आइडेंटिकल, हैंस द डिटरमिनेशन विल बी 0, 1/12 = 0 = 0। क्या है ये क्वेश्चन दिया होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है 0 to, ये था इसकी वैल्यू निकालनी थी 0 1 डेल्टा एक्स डी एक्स की वैल्यू, 0 1 डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें से पहले क्या है, इस कॉलम में से पहले एक्स को मिल दिया, फिर जो एक्स आया इस रो को मल्टीप्लाई कर दी, ठीक इस रो को मल्टीप्लाई कर दी, अब इसकी वैल्यू निकाल ली 0 to 1 डेल्टा एक्स डी एक्स, 0 to 1 डेल्टा एक्स डी एक्स, इस रो के एक्सपेरिमेंट में ये निकाल ली। अब 0 to 1 एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब 0 to x यानी 0 to x 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स पावर 3/3 0 to 1, तो 1/3 -0 आ गया 1/3। सिमिलरली 1/4, अब इनमें सबका क्या आ गया, एलसीएम 12 आ गया, 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड करके ये आ गया कि 4/3, ये दोनों क्या आ गई, इसमें दोनों रो क्या है आइडेंटिकल हैं, हैंस दैट डिटरमिनेशन विल बी 0। अगली बात सुनो भैया, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, अब क्या है सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, लेट ये कोई इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन, कौन सा है, टू इक्वेशन विद टू वेरिएबल, टू इक्वेशन है और टू ही वेरिएबल है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, टू इक्वेशन है और टू ही वेरिएबल है, टू इक्वेशन है टू ही वेरिएबल है, क्या आ गया मतलब, जैसे मान लें एक इक्वेशन है a1x + b1y = d1, एक क्या है a2x + b2y = d2, a1x + ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या आ गई, ये सेकंड इक्वेशन। अब डेल्टा इक्वल टू क्या आता है, यहाँ डेल्टा इक्वल टू a1 b1 a2 b1, डेल्टा वन इक्वल टू क्या आ गया d1 d2 d1 d2 b1 d2, डेल्टा टू इक्वल टू क्या आ गया, a1 a2 d1 d2, ये जो है इसकी जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा ई है, अगर कहीं डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, क्या जाएगी, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इफ डेल्टा के फर्स्ट आए इनके इस तरह डेल्टा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 यानी a1 b1 क्या जाएगा, a1 b2 - a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स
ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए वन अपॉन बी वन इज नॉट इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू, यानी कह दो ए वन बी वन इज नॉट इक्वल टू ए टू बी टू। अगर ये आ जाता, अगर मैं ये कह देता ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन इक्वल टू बी टू, तो कैसे पॉइंट जाते हैं पैरेलल आते, ये कैसे पॉइंट है, ये नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, दैट इज मीन ये नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल मीन्स इट इज हैव द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, इट हैव द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, इट मीन इज कंसिस्टेंट, 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 सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, and solution is called to the consistent solution. Thank you. If delta is zero and delta 1 delta 2 is not equal to 0, hence you need no solution, no solution. Agar is tarah ki value ho to equation kya lagta hai, no solution. Isse bolte hain inconsistent, kya bolte hain in इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर ये जीरो होगा तो ए वन ए टू क्यों नहीं जाएगा, क्या होगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल हो जाएगा, यानी ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी, क्या जाएंगी ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी, तो इस क्वेश्चन क्या जाएगा है नो सॉल्यूशन। ये थर्ड क्या है, डेल्टा वन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू, तीनों ही क्या जाए जीरो हो जाए, जीरो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसे में क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये भी क्या कह रहे थे कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंस कह रहे थे। देखो भाई ये क्या है, ये दो इक्वेशन हैं, दो ही वेरिएबल हैं, डेल्टा की वैल्यू ये है, डेल्टा की मन की वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू ये है, ठीक। इफ अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू ये है, जब मैं इसकी सोल्व करूँगा ये नॉट जीरो हो जाएगी, यानी पैरेलल नहीं है, क्या लो लाइन आर नॉट पैरेलल, लाइट पैरेलल नहीं है ये दिखा जा रहा, तो क्या कहते हैं कंसिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं सॉल्यूशन है कंसिस्टेंस, सॉल्यूशन है द सिस्टम इक्वेशन इज कॉल्ड टू द कंसिस्टेंस। और किस किस पे, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जब ये नॉन पैरेलल है तो ये कहीं इंटरसेक्शन हो, किस पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे करेंगे, वन पॉइंट, कितने करेंगे वन पॉइंट पे। इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो सॉल्यूशन आएगा, ये कहते हैं कंसिस्टेंस, ये क्या बोलते हैं कंसिस्टेंस बोलते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन डेल्टा टू इक्वल टू जीरो, ये बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकी जो है सॉल्यूशन क्या होता है इनफाइनाइट, वो इसको भी क्या कहते हैं कंसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है आगे बढ़ेंगे।
अगर मान लिया क्या हो ये, अब क्या है सिस्टम, अब थ्री इक्वेशन हो, क्या है ये थ्री इक्वेशन हो और कितने के हैं टू वेरिएबल हो, कितने इक्वेशन हो थ्री इक्वेशन हो और टू वेरिएबल हो, क्या कहा मैंने थ्री इक्वेशन हो और टू ही वेरिएबल हो, जैसे एक पी होगी, एक क्या होगी कोई सिस्टम और इक्वेशन है मेरे पास, थ्री तो इक्वेशन है, थ्री तो वी हैव द थ्री इक्वेशन एंड टू वेरिएबल ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ए क्या है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो, इस तरह का जो ये सोल्यूशन है, इस तरह का जो क्या है ये सोल्यूशन है इसका, अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगी, अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कब कहलाएगी, अगर ये आ जाए ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री डी वन डी टू डी थ्री विल बी जीरो, दैन द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर इस तरह का सिस्टम आ जाएगा, क्या सिस्टम आ जाएगा, तीन इक्वेशन है सिस्टम, थ्री इक्वेशन तीन इक्वेशन है, ये ए वन एक्स प्लस बी वन वी सी वन की है, ए टू एक्स बी टू वाई इस तरह की है, इस तरह की अगर कंडीशन है, इस डिटरमिनेशन की वैल्यू जीरो आ जाए तो इसे कहते हैं दैट द कंडीशन इज कंसिस्टेंट, इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट या दीज लाइन आर कॉन्करेंट, दीज लाइन आर कॉन्करेंट, ये लाइन क्या कहलाती हैं, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट कहलाएंगी, ये लाइन कॉन्करेंट कहलाएंगी, अगर इस कंसिस्टेंट इस डिटरमिनेशन की वैल्यू इनसे ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, दैट इट मीन्स दैट दी लाइन आर कॉन्करेंट और दी इक्वेशन हैज अ कंसिस्टेंट, इक्वेशन हैज अ कंसिस्टेंट, ठीक है। आगे अब आगे क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या है, बाकी क्या है नॉन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या कह रहा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वैल्यू, थ्री लीनियर इक्वेशन है क्या है, थ्री लीनियर इक्वेशन है एंड थ्री वेरिएबल एंड थ्री थ्री लीनियर इक्वेशन है और थ्री वेरिएबल है, थ्री लीनियर इक्वेशन है तो क्या आ जाएगा, मान लिया ये है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, क्या आएगा अब है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू डी वन, ठीक आ जाएगा ए टू एक्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ये क्या आएगा ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी टू, ये आ जाएगा ए वन, अगर ये तीन इक्वेशन है
इफ में डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए वन ए टू ए थ्री पी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, इधर डेल्टा क्या आ गई। फिर डेल्टा वन की, डेल्टा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा टू की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए क्या आ जाएगी डेल्टा टू। देखो ये तीन इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन है, थ्री वेरिएबल है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी, ये है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड डी थ्री। अब इसका डेल्टा की वैल्यू ये रख दी, इक्वेशन से डेल्टा वन की वैल्यू आ गई, डेल्टा टू की वैल्यू सच दैट डेल्टा थ्री की वैल्यू आ गई। अब इसका करना क्या है, अब इसका नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पहले है यूनिक सॉल्यूशन, पहले क्या है यूनिक सॉल्यूशन, पहले क्या है इसका सॉल्यूशन कब होगा, अगर ये एक पॉइंट काट है इंटरसेक्शन एट द पॉइंट, वो कब होगा इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई की क्या आ जाएगी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब है इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, अब इक्वेशन क्या है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन की, इसकी नो सॉल्यूशन की तीन प्रोबेबिलिटी आती हैं इक्वेशन की नो सॉल्यूशन की। एक प्रोबेबिलिटी क्या है, टू प्लेन आर पैरेलल, टू प्लेन आर पैरेलल, थ्री प्लेन आर एक है टू प्लेन आर पैरेलल नंबर दो, फिर है थ्री प्लेन आर पैरेलल, दूसरी क्या है थ्री प्लेन आर पैरेलल, तीसरा क्या है थ्री प्लेन इंटरसेक्ट थ्री प्लेन इंटरसेक्ट इन थ्री पैरेलल लाइन,
नेचर ऑफ द सॉल्यूशन की निकालने के लिए क्या है, पहले क्या है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है तो ये तो बात समझ में आ गई है। फिर है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन है टू पैरेलल लाइंस हो, तीसरी की दूसरी क्या है थ्री पैरेलल लाइंस हो, तीसरी है थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट इन थ्री पैरेलल लाइंस। ये थ्री जो तीन प्लेन इंटरसेक्ट करती हैं इन थ्री पैरेलल लाइंस, किस तरह क्या मतलब है इसका, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। थ्री पैरेलल लाइंस में क्या आ जाएगा, ये चारों ही जीरो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू, ये चारों ही जीरो आ जाएंगे। तीसरे में क्या जाएगा, डेल्टा तो जीरो आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा डेल्टा तो जीरो आ जाएगा, डेल्टा तो जीरो आ जाएगा, बट डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। क्या है एक पहला कंडीशन की इसकी यूनिक सॉल्यूशन, दूसरी कंडीशन की नो सॉल्यूशन, तीसरी एक और सॉल्यूशन है कंडीशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तीसरी क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के में क्या होता है, इस तरह की कंडीशन आ गए, इस तरह क्या कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मीन डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा एंड आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो भाई क्या है, फिफ्थ होमोजीनियस सिस्टम है थ्री इक्वेशन का, और थ्री ये होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन है, ये थ्री इक्वेशन का है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और इसके अंदर तीन ही वेरिएबल हैं, तीन ही वेरिएबल हैं। इसकी नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर एक क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, नंबर दो क्या होगा नो सॉल्यूशन, नंबर थ्री क्या आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू, वाई की डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, जेड की डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, और सीधी सी बात है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या आएगा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। और अगर नो सॉल्यूशन हुआ, नो सॉल्यूशन की तीन कंडीशन होती हैं, दो प्लेन जो है पैरेलल हो, या क्या है तीन प्लेन पैरेलल हो, या तीन प्लेन इंटरसेक्ट एट थ्री पैरेलल लाइंस को ये काटते हैं, अगर ये काटते हैं टू प्लेन पैरेलल में तो ये आ जाएगी और थ्री प्लेन में आ जाएगी, और उसमें क्या आ जाएगी डेल्टा इक्वल टू जीरो डेल्टा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह हम जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये कंडीशन थी नॉन होमोजीनियस के लिए, ये कंडीशन क्या कहती नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए।
अब है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, कहाँ के लिए है, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या है जी, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन, जैसे जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू सी, एक इक्वेशन आ गई, एक दूसरी क्या आ गई, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो, एक आ गई ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो, ये जो है ये तीन इक्वेशन है तीन लीनियर इक्वेशन की, और तीन ही ये तीन इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन होमोजीनियस इक्वेशन है, कितने वेरिएबल हैं, तीन ही वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो इसका अगर इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए क्या कर जाए, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इसका डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सिस्टम इक्वेशन है नॉन जीरो और नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो और नॉन ट्रैवल, ये सॉल्यूशन जो है नॉन जीरो या नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू डेल्टा है, अगर डेल्टा की वैल्यू इस तरह की जीरो आ जाए तो इट इज इक्वल टू नॉन जीरो और नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन कहलाता है, जैसे क्वेश्चन लगाते हैं एक, जैसे लेट एफ टी इक्वल टू कॉस टी टू साइन टी cos t is equal to 2 sin t sin t t t 1 2 t t t t 1 2 t t then find limit t tends to 0 f t upon t, इसकी वैल्यू निकालें, यानी एफ एफ टी इक्वल टू कॉस टी टू साइन टी 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 आ गया है, और फिर क्या आ गया है,
वन टू टी और टी आ गया और टी उसकी वैल्यू निकालनी टी चेंज टू जीरो एफ टी टी का स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल दी। अब क्या रहेगा ये देखो अब निकालना है मुझे एफ टी अपॉन टी स्क्वायर एफ टी अपॉन टी स्क्वायर क्या रहेगा ये इस टी स्क्वायर को क्या सकता हूँ टी मल्टीप्लाइड बाई टी ये दो टी हैं एक टी तो इसके नीचे डिवाइड इसके कर दो और एक टी इस टी के नीचे इससे डिवाइड कर दो क्या जाएगा ये कॉस टी अपॉन टी टू साइन टी अपॉन टी साइन टी अपॉन टी टी अपॉन टी टी अपॉन टी e upon t square of 1 to t t और अब इसकी जो है साथ में जो है लिमिट भी है लिमिट टेंस टू टी जीरो लिमिट टेंस टू टी जीरो लिमिट अब अगर से लिमिट रख दूँ क्या रख दूँ लिमिट t टेंस टू जीरो एफ टी अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ टी अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू तो हर एक की लिमिट लेनी पड़ेगी क्या जाएगा लिमिट t टेंस टू जीरो कॉस टी अपॉन टी लिमिट t टेंस टू जीरो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वन लिमिट t टेंस टू जीरो वन लिमिट टी टेंस टू जीरो टू साइन टी अपॉन टी लिमिट टी टेंस टू जीरो टी अपॉन टी लिमिट टी टेंस टू जीरो टू टी लिमिट टी टेंस टू जीरो साइन टी अपॉन टी लिमिट टी टेंस टू जीरो टी अपॉन टी यार देखो ये पॉजिटिव वनटी जीरो आ जाएगी वैल्यू नहीं दिक्कत आ जाएगी तो ऐसा करूँ मैं इसे जो ये है ना टी मल्टीप्लाई दे आर टू और आर थ्री को डिवाइड कर लो इसे कर लो आर टू और आर थ्री डिवाइड कर दिया आर टू और आर थ्री ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये टी ये भी चूकत हूँ ये भी चूकत हूँ और सारे चूकत हूँ देखो भाई लिमिट टी टेंस टू जीरो कॉस टी लिमिट टी टेंस टू जीरो कॉस टी कॉस जीरो की वैल्यू क्या आता है वन इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन इसकी वैल्यू टी टेंस टू जीरो लिमिट टी टेंस टू जीरो टू जीरो आ गई इसकी वैल्यू टी टेंस टू वन वन आ गई साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन जीरो अपॉन जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू वन आ गई टू बार आ गया ठीक है आ गया
टू आ गया, क्या आ गया ये टू आ गया, ये वन आ गया, ये टू आ गया, ट्वेंटी ट्वेंटी आ गया, वन आ गया, ये क्या वन आ गया, यानी वन आ गया। In this procedure we have two column are zero, then their value will be zero. If two column are identical, then the determination will be zero. Hence the determination will be zero. So the limit x, the limit t tends to zero, f t upon t square will be zero. देखो भाई सवाल क्या था ये, एफ टी इक्वल टू कोस टी स्क्वायर एंड फाइंड दैट टी टेंस टू जीरो एफ टी अपॉन टी स्क्वायर। क्या करा मैंने ये इसके लिखने के लिए टी स्क्वायर से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं इसको देखो इस टी टी स्क्वायर से क्या करूँगा जब मैं, तो ये एफ टी अपॉन टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का टी मल्टीप्लाई टी, यानी कि एक तो ये सेकेंड रो को और नीचे थर्ड रो को, ये आ गया, और फिर इसमें लिमिट लगा दूंगा, लिमिट इसकी वैल्यू कॉस थी जीरो आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी वन आ गई, साइन टी अपॉन टी टू बाहर आ गया तो टू आ गई, इस तरह कर करके देख वी एट द एंड वी से वी सी दैट द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड कॉलम आइडेंटिकल सो द डिटरमिनेशन इज जीरो, हैंस द वैल्यू ऑफ द लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी अपॉन टी टू जीरो विल बी जीरो। देखो जैसे एक सवाल है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा एक इक्वेशन, ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी, एक इक्वेशन हो रहा है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, जो इसके रूट हैं वो तो हैं अल्फा वन अल्फा टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसके रूट हैं अल्फा वन अल्फा टू, इसके रूट कितने हैं बीटा वन बीटा टू। इफ द टू हैव इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज द रूट ऑफ अल्फा वन अल्फा टू एंड बी एक्स पी स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर जीरो हैव द रूट बी वन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा वन अल्फा टू इज द रूट एंड बी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो दैट इज रूट इज बीटा वन बीटा टू ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है ए वन वाई, एक ये है ए वन वाई प्लस ए टू वाई प्लस डी वन, ए वन वाई प्लस ए टू वाई प्लस ए टू जेड इक्वल टू जीरो, ए वन वाई प्लस ए टू जेड सिमिलरली बी वन वाई प्लस बी टू जेड इज इक्वल टू जीरो हैज ए नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन, हैज ए नॉन
ट्राइवल सॉल्यूशन हैव ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन देन प्रूव दैट b square q r is equal to b square q r is equal to b square p r is equal to q square AC. देखो क्या है, ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर जीरो जीरो, एक है ए वन वाई ए टू जेड इक्वल टू जीरो, एक है बी वन वाई प्लस बी टू जेड, ए वन वाई प्लस बी वन वाई प्लस बी टू जेड, बीटा वन वाई प्लस बीटा टू जेड equal to 0, then prove that b square pr is equal to q square ac. eighth equation ये है, इसके equation इसके root कितने दे रखे, alpha ने alpha 2, इसके root कितने दे रखे, beta में beta 2, और एक system of equation है, has a non-trivial solution, has a non-trivial solution है, b square pr is equal to q square ac. तो अब इसका क्या आएगा, इसका अल्फा वन प्लस अल्फा टू क्या आएगा, अल्फा वन इसके रूट दे रखे, अल्फा वन लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, की रूट कितने दे रखे, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लगेगा ही, और अल्फा इंटू एल्फा टू प्रोडक्ट ऑफ रूट टू कोस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोस्टेंट. सिमिलरली फोर पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, बीटा वन प्लस बीटा टू इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन पी एंड बीटा वन बीटा टू इक्वल टू आर अपॉन आ, और ये सिस्टम है नॉन ट्रैवल, ये सिस्टम कैसा है, नॉन ट्रैवल है, ये सिस्टम कैसा है, नॉन ट्रैवल है, ये अल्फा वन जब ए अल्फा वन मान लिया, लिखेंगे अल्फा वन वाई प्लस अल्फा टू जेड बीटा वन वाई प्लस बीटा टू जेड इक्वल टू जीरो है नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन, नॉन फॉर नॉन ट्रैवल ये क्या आएगा, अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, तो क्या आएगा अल्फा वन बीटा टू, अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू जीरो, अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू क्या जाता है, जीरो आ जाएगा, अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इससे क्या मतलब हो गया, अल्फा वन अपॉन अल्फा टू इक्वल टू बीटा वन अपॉन अल्फा वन अपॉन अल्फा टू इक्वल टू बीटा वन अपॉन बीटा टू, यहीं कह दो अल्फा वन अपॉन बीटा वन, ये क्या आ जाएगा, इससे सिमिलरली अल्फा वन अपॉन बीटा वन अल्फा टू अपॉन बीटा टू अल्फा टू अपॉन बीटा टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो उसके थ्योरी क्या आ जाएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू अपॉन बीटा वन प्लस बीटा टू अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन, इससे भी अभी ये भी लिख सकते हैं वही इनइक्वालिटी, ठीक है,
तो अब इससे क्या आ जाएगा, ये अब ये ले लूंगा मैं अल्फा वन प्लस अल्फा टू बीटा वन प्लस बीटा टू इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा अल्फा वन प्लस अल्फा टू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए और इसकी वैल्यू आएगी क्यू अपॉन पी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे सी अपॉन ए इसकी वैल्यू आर अपॉन पी ये क्या आ जाएगा बी पी ए क्यू माइनस पी सी ए आर ए आर दोनों तरफ क्या कर लूंगा मैं स्क्वायर रूट कर लूंगा दोनों तरफ क्या कर लूंगा मैं स्क्वायर रूट कर लूंगा तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी सी अपॉन ए आर इस ए से ए जाएगा और पी से पी जाएगा ये क्या आएगा पी स्क्वायर क्यू आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी आर इक्वल टू इस ए से जा रहे हैं अब यहाँ क्या देखा क्यू स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर पी आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी ठीक है देखो भाई ये इक्वेशन है इसके रूट अल्फा वन अल्फा टू है इसका है और ये है लहर नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन है नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और ये जो है इसकी वैल्यू इसके रूट दे रखे हैं ये और इसकी वैल्यू इन सम ऑफ प्रोडक्ट रूट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गई तो क्या आ गया अल्फा अपॉन बीटा वन अल्फा टू इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू क्या आ गया अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन अल्फा प्लस अल्फा टू बीटा वन बीटा टू की वैल्यू सबको ये करके ये इनइक्वालिटी है दोनों इक्वल हो इन दोनों का सम भी इक्वल होगा इन दोनों का प्रोडक्ट और इनके जो है रूट भी इक्वल होगा इन दोनों की क्या वैल्यू रख दी तो क्या आ गई बी स्क्वायर पी आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखो भाई एक और इक्वेशन इफ बी सी प्लस क्यू आर इक्वल टू सी ए प्लस आर पी इक्वल टू ए बी प्लस पी क्यू ए बी प्लस पी क्यू इक्वल टू माइनस वन देन Prove that then prove that yeah then find the value then find the value इसकी वैल्यू बतानी है बी सी प्लस क्यू आर इक्वल टू सी ए प्लस आर पी इक्वल टू ए बी प्लस पी क्यू इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है ए पी बी पी बी क्यू सी आर ए बी सी पी क्यू आर
इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई अब गिवन है ये कंडीशन डी सी प्लस क्यू आर ये बराबर क्या है, बराबर है माइनस वन क्या है, तो क्या गिवन है क्या है बी सी प्लस क्यू आर इक्वल टू माइनस वन, क्या आ गया बी सी प्लस क्यू आर प्लस वन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली क्या आ जाएगा ये सी ए प्लस आर पी इक्वल टू माइनस वन, क्या आ गया सी ए प्लस आर पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली क्या आ जाएगा ए बी प्लस पी क्यू इक्वल टू माइनस वन, ए बी प्लस पी क्यू प्लस वन ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ इसमें इसमें अगर ए पी की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें बी क्यू की, इसमें सी आर की, क्या है मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड है ये थर्ड, मल्टीप्लाई बाई ए पी मल्टीप्लाई बाई ए पी बी क्यू एंड सी आर बाई रेस्पेक्टिवली इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशन में ए बी बी सी क्यू आर की क्या कर दी हमने, तीनों में क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी इसमें क्या आ जाएगा भैया क्या है मल्टीप्लाई करी पहले ए पी की, क्या है मल्टीप्लाई करी ए पी की, क्या आ जाएगा ए पी बी सी ए पी क्यू आर प्लस के ए पी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा बी क्यू से बी क्यू ए सी बी क्यू ए सी प्लस बी क्यू आर पी प्लस बी क्यू इक्वल टू जीरो। इसमें क्या है करो सी आर से ए बी सी आर प्लस सी आर पी क्यू प्लस सी आर इक्वल टू जीरो ये हो गई थर्ड क्वेश्चन, क्या गई थर्ड क्वेश्चन। देखो भाई इन तीनों क्वेश्चनों में ए बी सी पी क्यू आर कॉमन है, क्या है इनमें ए बी सी भी है और पी क्यू आर भी है और क्या चीज़ है इसमें ए बी सी पी क्यू आर, इसे ए बी सी को क्या मान लिया एक्स मान लिया और पी क्यू को क्या मान लिया वाई मान लिया, ए बी सी को क्या मान लिया एक्स बी क्या जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए पी इक्वल टू जीरो। इसी तरह से क्यू एक्स प्लस बी वाई प्लस बी क्यू इक्वल टू जीरो, इधर से आर एक्स इधर से सी वाई प्लस सी आर इक्वल टू जीरो आ गई, क्या आ गई है
अगर सिस्टम ये, अगर ये सिस्टम है जो सोन सोल्यूशन होएगा, तो सिस्टम क्या रखेगा, कंसिस्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे सिस्टम को, क्या कहेंगे कंसिस्टेंस, क्या रहेगा बी ए ए पी क्यू बी बी क्यू आर सी सी आर, ये आ जाएगा क्या आएगी, अगर सिस्टम, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है, बस इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, ठीक है। एंड ये सिस्टम सॉल्यूशन मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड द इक्वेशन, एंड द इक्वेशन विल बी जीरो। आगे बढ़े भाई, देखो भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग ए, लॉग एक्स कौन भाई,
log ये बी एफ में है, log वाई अपॉन डेट log ए डेट अपॉन एक्स ये बी एफ में है, log ए स्क्वायर वाई अपॉन डेट log ए स्क्वायर डेट अपॉन एक्स log log ये इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई अगर ये है तो इसे 1/2 में जाएगा, ये बी एफ में है, तो इस तरीके क्या है ये है क्यूब, अगर ये क्यूब में है तो ये क्या जाएगा 1/3 में जाएगा, क्या जाएगा ये 1/3 में जाएगा, क्या जाएगा ये 1/2, इनमें से फिर कॉमन ले लो वो में से, इसमें से क्या ले रहे हैं 1/3 आ जाएगा ना, नीचे आप 3 आ जाएगी ये बी एस में जाएगा ये, तो ये क्या जाएगा लोग ए log a x upon y log a y upon z log a z upon x log a y upon z log a z upon x log a x upon y log a z upon x log a x upon y log a y upon z, ये आ गया वो, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर दूं इन्हें तीनों को जो है जोड़ दूं, क्या कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या कर दूं मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ दूं, इस जोड़ के क्या जाएगा देखो ये इसमें ये है जैसे log a x प्लस y प्लस log y upon z plus log log m plus log n log log a plus log b plus log c, क्या आ गया if there are same base log a b c, क्या आ जाएगा log a b c, क्या आ जाएगा log x upon a into y upon z into z upon x, ये आ जाएगा भैया इसकी वैल्यू इस x से x y से y z से z, ये a क्या है log a वन इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो। सिमिलरली जब इन्हें तीनों को जोड़ूंगा इसकी वैल्यू log a इसकी वैल्यू जीरो, जब इन्हें तीनों को जोड़ूंगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, क्या जाएगी ये जीरो आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा ये 1/6 जीरो 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 log a y upon z log a z upon x log a z upon x log a x upon y log a x upon y log a y upon z, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी वैल्यू विल बी जीरो, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी है इसकी वैल्यू जीरो। देखो फंक्शन सवाल था ये वाला, ये एक सवाल था तीन का बी एस है लोग ए स्क्वायर है ये बी एस ए क्यूब है, इसे मैंने पॉन टू कर लूँगा यहाँ नीचे का तो मैंने पॉन टू यहाँ बाहर आ लिया तीनों में से कॉमन ले लिया, इन तीनों में से 1/3 ले लिया तो क्या जाएगा यहाँ से 1/6 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इन्हें क्या करा आर वन आर टू आर थ्री को जोड़ दिया log m प्लस log n प्लस log r p, तो log m मल्टीप्लाई हो गई इन तीनों की तो काट के log एक आ गया, log एक की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई, log एक की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई एंड डिटरमिनेशन विल बी
जीरो, उससे डिटरमिनेशन की वैल्यू क्या होगी, ये जीरो होगी। अब देखो एक सवाल हो रहा है, जैसे थ्री फोर फाइव एक्स, थ्री फोर फाइव एक्स ठीक है, फोर फाइव सिक्स वाई, फोर फाइव सिक्स वाई फिर क्या है ये फाइव सिक्स सेवन जेड, फाइव सिक्स सेवन जेड फिर क्या है एक्स वाई जेड जीरो, एक्स वाई जेड जीरो ये है इक्वल टू जीरो, देन x, y, z आर इन फर्स्ट है एच पी, सेकेंड है ए पी, थर्ड है जी पी एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। थर्ड है नन ऑफ दी, देखो भाई क्या रखा है, क्या करता हूँ मैं इसमें, इसको जीरो बना दे, क्या लगा देखो, चार पाँच और तीन आठ का ट्वाइस, छः चार दस इसका ट्वाइस, पाँच का ट्वाइस, सही क्या क्वेश्चन लगाता हूँ मैं आर वन में, आर वन क्या लगाता हूँ, आर वन क्या लगाता हूँ, यही लगा दो सर, क्या कहते क्या लगाता हूँ आर वन पर आर थ्री माइनस टू आर, देखो आर वन पाँच और तीन आठ, चार में आठ, आठ में जीरो, फिर चार और छः दस, दस में पाँच गया जीरो, फिर पाँच और छः और सात बारह जीरो, फिर दो एक्स प्लस जेड माइनस के टू आई, फिर क्या आ जाएगा ये, फिर सारा जीरो हो जाएगा, फिर इसका क्या आ जाएगा ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा ये बाहर, इसके एक्सपेंड करने पर बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई, चार पाँच छ, चार पाँच छ सात एक्स वाई जेड, ये फिर इसमें ये रखा देखो, ये इसका जो रखा फिर यही चार छः दस, दस में पाँच, सात पाँच बारह छः, ये क्या आ गया सी वन, फिर लगाऊंगा एक वही ऑप्शन सी वन प्लस सी टू सी थ्री माइनस
टू से ही, तो चार और छः दस और दस में जीरो जीरो पाँच छ जीरो छ सात या टू एक्स एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई वाई इंटू जेड, और ये बाहर चले जा रहा था एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई। अब देखो अब इसके एक्सपेरिमेंट में करूंगा मैं, ये ठीक है क्या जाएगा, ये एक्सपेंड में करूँगा तो क्या जाएगा, ये जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई, ये क्या जाएगा भैया एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई, ये क्या जाएगा सात पच्चीस पैंतीस माइनस छत्तीस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अगर ये क्या है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये जीरो दे रखा है, ये क्या आ गया एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस जेड इक्वल टू टू वाई, ये पहली है, ये बराबर है, ये भी बराबर जीरो है, ये भी बराबर जीरो है, तो हैंस इट आर ए एक्स बाई दैट आर इन ए पी है ना, अगर ए बी सी आर टू ए पी में ए बी सी आर इन ए पी जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो टू बी इक्वल टू क्या आता है ए प्लस सी आता है। देखो क्या है, ये एक डिटरमिनेशन है, इसकी निकालनी है कि एक्स वाई जेड कह में होंगे, एक्स वाई जेड कह में होंगे, मैंने देखा कि पहले ये है आर वन आर टू आर थ्री फोर आर चार जो है वो हैं, तो देखा इसका जो ये सम है इसके ट्वाइस का इक्वल है, तो वही कर दिया मैंने आर वन प्लस आर थ्री माइनस आर टू, ये कर दिया। जैसे ही आई मैट्रिक्स फिर मैंने देखा इसमें फिर जो है सी वन एंड सी टू जो है ट्वाइस है, सी वन सी टू का सम है इसके ट्वाइस के सी टू के इक्वल है सी वन सी थ्री का, फिर इसमें यही कर रहा सी वन सी थ्री माइनस टू सी टू ये आ गया, फिर इसकी इसमें एक्सपेंड कर दूंगा मैं तो माइनस वन आ जाएगा, एक माइनस यहाँ रखा था एक माइनस वो माइनस माइनस प्लस उसका स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो वाई, हैंस दिस इज सीरीज एक्स वाई दैट आर विल बी इन टू पी, कह होंगे एक्स प्लस That is equal to y hence there is will be in AP. That is solved है, इतना ही ठीक है, आगे बढ़े, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टर्न पे फिर जो है और जो मैट्रिक और डिटरमिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो JET JEE में आते हैं रिपीट होते हैं वो दोहराएंगे, ठीक है, दैट इज ऑल बाय, थैंक्स ऑफ ऑल।